नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और टेक इट इजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये फ़ैन आप जानते ही होंगे, मेरे चैनल पे ऑलरेडी इस फ़ैन का अनबॉक्सिंग वीडियो है और लॉन्ग टर्म रिव्यू भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने पब्लिश किया है। तो वो वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, देख लीजिए। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उसमें शेयर किया है। एक्चुअली दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि इस फ़ैन को कैसे साफ़ किया जाए, क्योंकि इसको साफ़ करना थोड़ा सा टफ लगता है देख के, और है भी टफ है एक्चुअली। पर मेरा भी 7 महीना हो चुका था और रेगुलर यूज़ करता था, तो ये काफ़ी गंदा भी हो चुका था। तो मैंने ऑलरेडी इसको साफ़ किया है, साफ़ करते टाइम ये ऑलरेडी मेरे हाथ से टूट भी गया है। मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी बनाया है, अभी इस वीडियो में मैं आपको वही शेयर करने वाला हूँ कि कैसे इसको साफ़ किया जाए। और दोस्तों, मैंने जो गलती किया है इसको साफ़ करते टाइम, जिसके कारण ये ऑलरेडी टूट चुका है, वो गलती आप ना करें, इसीलिए मैं इस वीडियो को आपसे शेयर कर रहा हूँ। और वीडियो को स्किप किए बिना पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको पता लगेगा कि कैसे इसको साफ़ करना है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके रखिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, क्योंकि ऐसे ही ढेर सारा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता हूँ, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फ़ैन साफ़ करने का जो वीडियो है वो फटाफट देख लेते हैं। दोस्तों, ये रहा मेरा प्रोडक्ट, देख सकते हैं आप, बजाज पिग्मी मिनी पर्सनल फ़ैन, और ये कितना गंदा हो चुका है आप देख सकते हैं। ये 7 महीने से मैं लगातार यूज़ कर रहा हूँ और इसमें बहुत सारे धूल जमा हुआ है। ये फ़ैन जनरली आप चलाते हैं तो धूल होता ही है। आज अभी हम दोस्तों इसको खोलने की कोशिश करेंगे, इसका जो सामने वाला जो ग्रिल पार्ट है उसको हम ओपन करेंगे। इसके लिए देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ क्लिप्स है, 1, 2, 3, 4, 5 और फाइनली 6, टोटल 6 क्लिप्स है यहाँ पे। ये क्लिप्स को ओपन करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास एक नेल कटर है, आप ऐसे कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे इसको पहले प्रेस करके हल्का सा इसको साइड करेंगे, क्लिप को धीरे से थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा ध्यान से। ओ नो, ये दोस्तों टूट गया, अभी छोड़ देते, बाकी को ओपन कर लेते। अभी आप देखिए दोस्तों, अंदर कितना ज़्यादा धूल मिट्टी फंसा हुआ है, और ये क्लिप्स आप देख सकते हैं, लगभग सारे क्लिप्स टूट चुका है। ये 2 क्लिप जो है हालत एकदम बेकार है, और बाकी क्लिप्स भी जो है उसका भी हालत बहुत अच्छा नहीं बोल सकते। अभी दोस्तों ये तो समझ में आ रहा है कि इसको ओपन करके हम इसको साफ़ नहीं कर सकते, एज इट इज़ ऐसे ही आपको साफ़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक ब्रश पहले ले लेंगे, और ब्रश की मदद से जो फ़ैन का जो ग्रिल है इसको धीरे धीरे साफ़ करते रहेंगे। आप देख सकते हैं धूल उड़ रहा है ऑलरेडी, ध्यान से इसको साफ़ करना है। और एक बार आगे का ग्रिल साफ़ होने के बाद कोशिश करना है मैक्सिमम ब्लेड का जितना पोर्शन साफ़ हो सके। अब देख सकते हैं काफ़ी सारा धूल जो है वो साफ़ हो चुका है, और अभी अगर हम सामने का कवर हटाएंगे तो देखिए इतना साफ़ हुआ है, ग्रिल लगभग साफ़ हो चुका है, और ब्लेड इतना ही साफ़ हो पाया, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। पर यह ऑलरेडी टूट चुका है दोस्तों, तो हम इसको पहले जैसा ही साफ़ करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्टली ब्लेड को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे, पर ये नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे क्योंकि ये कर नहीं सक, कपड़े की मदद से इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अभी आगे का ग्रिल पार्ट जो है उसको भी थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। अभी बारी है हर एक क्लिप जो है जो टूट चुका है उसमें थोड़ा सा फेविक्विक दे के इसको ठीक करने का, ध्यान से करना, ये ऑलरेडी टूट के अलग हो चुका था, इसको प्रॉपर जगह पर फिक्स भी करना है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि ये बहुत गलती कर दिया मैंने खुलने का जो कोशिश किया है, तो इसको कभी भी आप ऐसा ट्राई मत कीजिए घर पे, खोलने की कोशिश तो मत कीजिए बिल्कुल। इसको आराम से बाहर से ही आप जो ब्रश है, ब्रश के मदद से इसको साफ़ करने की कोशिश कीजिए। अभी दोस्तों इसको लगाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्किंग है, और इसको सिमिलर टाइप से फिट करके क्लिप को सामने रखे हुए इसको जस्ट प्रेस कर देंगे, बस ये लॉक हो गया। ये थोड़ा सा स्मूथ क्लिप होता जो कि रिमूवेबल होता तो काफ़ी अच्छा होता, ये बहुत हार्ड क्लिप है और ये पक्का टूटेगा, इसको आप ओपन बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी इसका हवा का जो प्रेशर है वो देख लीजिए, काफ़ी पहले से बढ़ गया है। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज, और ये देखिए थर्ड स्टेज में काफ़ी ज़्यादा हवा इसमें अभी मिल रहा है। दोस्तों आपने देखा ये प्लास्टिक बिल्ड है, और इसका प्लास्टिक जो है काफ़ी हार्ड है। एक्चुअली थोड़ा सा सॉफ्ट होता तो ये जो क्लिप है वो ओपन करना थोड़ा सा आसान होता, पर आप देखें कि थोड़ा सा हार्ड होने के कारण मैंने जब क्लिप ओपन करने की कोशिश किया तो ये सारे क्लिप
टूट चुका है। अभी दोस्तों हम जो कर सकते हैं ब्रश के मदद से, ये बाहर वाला जो ग्रिल है, ग्रिल पार्ट को ही थोड़ा साफ कर सकते हैं, पर ब्रश जो है वो प्रॉपरली इसके ब्लेड तक कम्प्लीटली नहीं पहुँच पाएगा। थोड़ा थोड़ा जितना पहुँच रहा है उतना ही साफ कर सकते, इससे ज़्यादा कोशिश किया तो मेरा ऑलरेडी ये क्लिप्स टूट चुका है और मैंने इसको फेविक्विक से जोड़ के अभी फिलहाल तो लगा दिया है। इसको सेकेंड टाइम खोलने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा टूट जाएगा। आप भी दोस्तों सावधान हो जाइए, और सेम चीज़ आप अगर सोच रहे थे कि ऐसे क्लिप को दबा के इसको निकालने का, बिल्कुल मत कीजिए, अननेसेसरी ये टूट जाएगा। तो बाहर से जितना साफ़ हो सकता है उतना ही कीजिए, पर मुझे लगता है यहाँ पे कोई क्लिप फिट टाइप देना चाहिए था कंपनी को ताकि इजीली इसको ओपन कर सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। मैं कोशिश किया मेरा जो गलती है आपसे शेयर करने का ताकि सेम गलती आप ना दोहराएं। दोस्तों इस वीडियो को अभी फिलहाल यहीं पर ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर।